हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुमन्स प्राइमरी मैथ्स क्लासेस। हम कर रहे हैं यूनिट टू ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर्स। आज हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स। मींस क्वेश्चन हमें वर्ड्स की फॉर्म में गिवन होंगे यूजिंग स्टेटमेंट्स, उसमें मल्टीप्लिकेशन करना है या डिविजन ये हमें बताना है। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ यूनिफॉर्म सेट कॉस्ट ₹1325, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 567 यूनिफॉर्म सेट्स। मींस हमने क्वेश्चन को रीड करना है, समझना है, उसके बाद हमें गिवन क्या है और रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है ये पता होना चाहिए। एक यूनिफॉर्म सेट की कॉस्ट हमें गिवन है, 567 की हमें बतानी, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमें एक चॉकलेट की वैल्यू पता है ₹5, अगर हमें 20 चॉकलेट की वैल्यू निकालनी है तो हम बार बार उसको ऐड तो नहीं करेंगे, वो लंबी प्रोसेस हो जाती, तो हम क्या करेंगे, 20 से एक की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 की कॉस्ट निकल आएगी। सेम हेयर अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिफॉर्म सेट इज इक्वल टू ₹1325, कॉस्ट ऑफ 567 यूनिफॉर्म सेट्स इज इक्वल टू 567 मल्टीप्लाई 1325। अब हम इनकी सेम प्रोसेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिगर नंबर को ऊपर रखेंगे और स्मॉलर को नीचे रख देंगे। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, 3 कैरी, 7 2 14 और 3 17, 1 कैरी, 7 3 21 और 1 22, 2 कैरी, 7 1 7 और 2 9। अब हम 6 से करेंगे, ये टेंस प्लेस पे है तो 10 हमने पहले पुट कर दिया, 6 5 30, 3 कैरी, 6 2 12 और 3 15, 1 कैरी, 6 3 18 और 1 19, 1 कैरी, 6 1 6 और 1 7। ये 100 प्लेस पे है तो अब हम 20 पुट कर देंगे। अब हम 5 से कर रहे हैं, 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 3 15 और 1 16, 1 कैरी, 5 1 5 और 1 6। अब हम इनको ऐड कर देंगे, 5 7, 2 5 7, 7 5 12, 1 कैरी, 9 9 18 और 2 20 और 1 21, 2 कैरी, 7 6 13 और 2 15, 1 कैरी, 6 1 7। अब ये हमारे पास क्या आई है, कॉस्ट, तो कॉस्ट निकाल रहे हैं तो हम क्या होगा, ये किस में होगी, रुपीज में, रुपीज 7,51,275 इट इज आवर आंसर, कॉस्ट ऑफ 567 यूनिफॉर्म सेट्स। ऐसे ही हमने सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है, क्या उसमें गिवन है, क्या उसमें निकालना है। जब हमें कभी भी एक की वैल्यू गिवन है और मोर देन वन बतानी है तो हम हमेशा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बार बार एक से ज्यादा, अगर दो हो तो फिर भी इजिली एड हो जाता है, अगर दो से ज्यादा हो रहे हैं तो हम कैसे एड करेंगे, इसलिए हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिस्टर मोहन अर्न्स रुपीज 19,750 एवरी मंथ। मिस्टर मोहन की मंथली इनकम बताई गई है, हाउ मच विल ही अर्न इन 8 ईयर्स, 8 ईयर्स में वो कितनी अर्न करेगा, मंथली बताई है और ईयरली उसने पूछी है, तो हम क्या करेंगे, ईयर्स को हम मंथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। मंथ्स, एज वी नो मंथ्स इन 1 ईयर इज इक्वल टू 12, मंथ्स
इन 8 ईयर इज इक्वल टू 8 × 12 इज इक्वल टू 12 × 96 तो 96 मंथ्स की हमें बतानी है। अब हम क्या करेंगे, मंथली इनकम हमें पता है 1 मंथ इनकम ऑफ मिस्टर मोहन इज इक्वल टू रुपीज 19,750। तो अब हमें बतानी कितनी है, 8 ईयर्स की फाइंड आउट करनी है। 8 ईयर तो उसमें क्या था, 96 मंथ्स की बतानी है हमने, 96 मंथ्स इनकम ऑफ मिस्टर मोहन इज इक्वल टू 96 × 19,750। मींस हमें 1 की गिवन है और मोर देन 1 की बतानी है, तो हम इसमें भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बिगर नंबर को हम ऊपर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 96। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सेम प्रोसेस है जैसे हम पहले कर रहे हैं, 6 की 0 से करेंगे तो 0, 6 5 जा 33 कैरी ओवर, 6 7 जा 42 और 3 45, 4 6 9 जा 54 और 4 58, 5 कैरी ओवर, 6 1 जा 6 और 5 11। अब हम अगेन दूसरे नंबर से कर रहे हैं, ये हमारे पास 9 है, टेंस प्लेस पे तो एक 0 हमने ऑटोमेटिकली पुट कर दिया, 9 की 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 9 5 जा 45, 4 9 7 जा 63 और 4 67, 6 9 9 जा 81 और 6 87, 8 9 1 जा 9 और 8 17। अब हम इनको क्या करेंगे, फिर से ऐड कर देंगे, 0 में 0 ऐड किया 0, 0 में 0 ऐड किया 0, 5 में 5 ऐड किया 0, 1 कैरी, 8 में 7 ऐड किया 15 और 1 16, 1 कैरी, 7 और 1 8 और 1 9, 1 और 7 8 और 1, ये हमारे पास उसकी इनकम आई है। तो ये क्या होगा, रुपीज में होगी हमारे पास, कितनी है इनकम मिस्टर मोहन की 8 इयर्स की, ये हमने बताना था। ये है हमारे पास रुपीज 18,96,000, इट इज आर आंसर। ये 8 इयर्स की इनकम है जो हमें बतानी थी। नाउ लेट अस कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस है, हमें पहले क्वेश्चन को समझना है क्या गिवन है और क्या रिक्वायरमेंट है, क्या पूछा गया है, उसके बाद हम इजीली बता सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, अ रॉकेट ट्रेवल्स 7,59,600 किलोमीटर इन 240 आवर्स, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल द रॉकेट ट्रेवल इन 1 आवर, 240 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो गिवन है, 1 आवर का बताना है, तो 1 का फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन 240 आवर्स रॉकेट ट्रेवल्स कितना ट्रेवल कर रहा है, 7,59,600 किलोमीटर। तो हमें बताना क्या है, इन 1 आवर, 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इन 1 आवर रॉकेट ट्रेवल, अगर हमें एक से ज्यादा का फाइंड आउट करना है तो हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, अगर हमें एक का फाइंड आउट करना है, ज्यादा का गिवन है तो हमें क्या करना होता है, डिवाइड। टू 40 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो जिस नंबर को हमने डिवाइड करना होता है वो हमने क्या करना होता है, अंदर लिखना होता है, ये हमारा क्या होता है, डिविडेंड।
और जिस नंबर से डिवाइड करना होता है डिवाइजर होता है, ये बाहर लिखते हैं। अब हम सेम प्रोसेस करेंगे जैसे हमने डिवीजन में किया था, चेक कर रहे हैं यहाँ पे 7 नहीं ले सकते, 75 भी इससे छोटा हो गया और 759 हम लेंगे। अब हम इसके फर्स्ट नंबर को इससे कंपेयर करेंगे तो 3 2 6, 4 2 8, तो 3 से नहीं कर सकते, 4 से नहीं कर सकते, 4 2 8 ज्यादा हो गया, तो हम 3 से करके देखेंगे। 24, तो जीरो तो हम साथ के साथ ही लगा देंगे, जितने जीरो है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं। 3 4 12, 1 3 2 6 और 1 7, तो 247, 3 जा हमारे पास क्या होगा 720, वो इससे छोटा है तो अब हम 3 से ये डिविजिबल है। यहाँ आ गया हमारे पास 720, अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 9 में से 0 कट किया 0, 5 में से 2 कट किया 3, ऊपर से हमने 6 ले लिया। अब हम चेक करेंगे तो क्या करेंगे, 2 से कर रहे हैं तो 2 2 जा 4, 4 तो इससे ज्यादा हो गया, अब हम किस पे जाएंगे 1 पे, तो यहाँ पे हमने लिखा 240। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, 6 में से 0 कट किया 6, 9 में से 4 कट किया 5 और 3 में से 2 कट किया 1। अब हमने यहां से क्या किया, हमने यहां से एक 0 ले लिया, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब ये हमने एक 0 लिया है तो अब फिर से हम चेक करेंगे यहां से, यहां पे दो हमने डिजिट यहां के छोड़ रखे हैं, 2 यहां के। अब हम इसमें चेक करेंगे तो 2 के टेबल में 15 के आसपास क्या होगा, 7 2 जा 14 और 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 तो हमारे पास ज्यादा हो रहा है, तो 7 का हम करके देखेंगे। अब हम 7 से कैलकुलेट करके देख रहे हैं 24 को, 7 2 4 जा 28, 2 7 2 जा 14 और 2 16, ये हमारे पास ज्यादा हो गया। अब हम किससे करेंगे, 6 से चेक करेंगे, 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 और 2 14, ये 144 इससे कम हो गया, तो अब हम किस पे जाएंगे, 6 पे, ये हमारे पास आ गया 1 4 4 0, 0 यहाँ पे है तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 0 कट किया 0, 6 में से 4 कट किया 2, 5 में से 4 कट किया 1, अब एक 0 रह रखी है हमारे पास, हम उसको ले आए। अब हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म और ये लेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है 12, तो 6 के टेबल में हमारे पास 12 आता है, 2 5 जा 10 और 5 2 6 जा 12, अब हम करेंगे और 2 7 जा हमारे पास होता है 14, 7 जा तो ज्यादा हो गया और 6 जा हमारे पास 12 होता है, तो 6 जा तो हमने अभी निकाल के देखा है तो ये हमारे पास ज्यादा है, तो अब हम 5 से कैलकुलेट करके देखेंगे, 5 4 जा 20, 2 5 2 जा 10 और 2 12, अब ये हमारे पास चला गया 5 पे, ये हो गया 1200, अब ये हमारे पास नीचे, अब हमारे पास पता चल गया 1 आवर में कितना किलोमीटर ट्रेवल करेगा रॉकेट, हमारे पास कितना किलोमीटर ट्रेवल करेगा, 3165 किलोमीटर, इट इज आवर आंसर। नाउ वी विल कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 packet contains 385 स्वीट्स, एक पैकेट में 385 स्वीट्स हैं, हाउ मेनी स्वीट्स कैन बी पैक्ड इन 52,690 पैकेट्स, एक पैकेट के स्वीट्स गिवन है इतने की हमने निकालनी है, तो एक से ज्यादा एक निकालेंगे तो क्या करते हैं हम, मल्टीप्लीकेशन, लेट अस सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 4, 1 packet कंटेन स्वीट इज इक्वल टू 385, हमने क्या करना है, 52,690 पैकेट्स के बताने, पैकेट्स कंटेन स्वीट्स, कितनी स्वीट्स होंगी उसमें, तो एक की गिवन है हमें, एक से ज्यादा निकालने, तो हमें कैसे पता चलेगा,
मल्टीप्लाई करके 52690। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बिगर नंबर को ऊपर लिख लेते हैं हम और स्मॉलर नंबर को नीचे लिख लेते हैं। अब हम इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5 की जीरोस करेंगे, 0 5 9 जा 45, 4 5 6 जा 30 और 4 34, 5 2 जा 10 और 3 13, 5 5 जा 25 और 1 26। अब हम 8 की करेंगे टेंस प्लेस पे, तो हम एक 0 पुट कर देंगे, 8 की 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 8 9 जा 72, 8 6 जा 48 और 7 55, 8 2 जा 16 और 5 21, 8 5 जा 40 और 40 में 2 ऐड किया तो 42। नाउ हम हंड्रेड्स प्लेस पे आ रहे हैं तो 2 0 पुट कर देंगे, 3 की 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18 और 2 20, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 5 जा 15। अब हम इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 5 में 0 ऐड करेंगे 5, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 1 कैरी, 6 और 1 7 और 1 8, 2 और 2 4 और 8 12, 4 और 5 9 और 1 10, 1 और 1 2। ये हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास स्वीट्स। अगर हम 52,690 पैकेट्स में स्वीट्स को पैक करेंगे तो हमारे पास कितनी स्वीट्स आएंगी, वो है हमारे पास अमाउंट अब 2,285,650 स्वीट्स, इट इज आवर आंसर। नाउ लेट अस कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5। ड्यूरिंग फ्लड्स 43,725 विलेजर्स बिकेम होमलेस। फ्लड आ गई है तो विलेजर्स जो है 43,725 उनके होम जो है डूब गए हैं, होमलेस हो गए हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, द गवर्नमेंट पुट अप टेंट्स, टेंट्स पुट किए हैं, ईच टेंट हाउसिंग 265, हर एक टेंट में हाउसिंग विलेजर्स कितने आ रहे हैं, 265 विलेजर्स। तो हाउ मेनी टेंट्स वर पुट अप। अब इसमें क्या गिवन है, हमारे पास जो है एक गांव में क्या हुआ, फ्लड आ गई है और उसके अंदर क्या हुआ, होमलेस हो गए विलेजर्स। तो उसमें क्या है, एक उसका हमें क्या कर रखा है, एक टेंट के अंदर कितने आ रहे हैं विलेजर्स ये बताया हुआ है, तो कितने टेंट पुट अप करने हैं। अब हम इसको कैसे करेंगे, यूजिंग स्टेटमेंट टोटल विलेजर्स, टोटल विलेजर्स गिवन है हमारे पास 43,725 और नंबर ऑफ विलेजर्स इन वन टेंट में कितने विलेजर्स आ रहे हैं वो बताया गया है 265। अब उसने पूछा है कितने टेंट हमने पुट करने हैं, नंबर ऑफ टेंट पुट अप। अगर हमारे पास वन टेंट में इतने विलेजर्स हैं तो कितने टेंट पुट करेंगे हमें कैसे पता चलेगा, हमें टोटल विलेजर्स को इन विलेजर्स से जितने पुट हुए डिवाइड करेंगे तब हमें पता चलेगा। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, टू हंड्रेड सिक्सटी फाइव से हम डिवाइड करेंगे। अब हम यहां से हम चेक करेंगे, फोर छोटा है, 43 हमारे पास फिर छोटा है, 265 से 437 हम लेंगे। तो अब हम इससे करेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 टू जा 4, 3 टू जा 6, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे,
टू फाइव ज टेन, टू सिक्स ट्वेल्व और वन थर्टीन, टू टू ज फोर और वन फाइव, ये तो फाइव थर्टी हो गया, ज्यादा हुआ तो ये वन से डिविजिबल होगा, टू सिक्स फाइव, सेवन में फाइव कट किया टू, थ्री में सिक्स नहीं हो सकता तो यहां से हमने लिया ये बन गया थर्टीन, थर्टीन में से सिक्स कट किया सेवन, थ्री में टू कट किया वन। अब हमने यहां से टू डाउन ले आए हम, अब हम फिर से चेक करेंगे, यहां सेवनटीन है तो सेवनटीन के नियर अबाउट इसमें कहां आएगा, यहां पर एट टू जा सिक्सटीन और नाइन टू जा एटीन, तो एट से हम करके देखेंगे, एट से करेंगे, एट फाइव जा फोर्टी, एट सिक्स जा फोर्टी एट और फोर फिफ्टी टू, एट टू जा सिक्सटीन और फाइव ट्वेंटी वन, ये तो बहुत ज्यादा आ गया। अब हम इससे एक डाउन करके देखते हैं, सेवन से करके देखते हैं इसको मल्टीप्लाई, सेवन फाइव जा थर्टी फाइव थ्री, सेवन सिक्स जा फोर्टी टू और थ्री फोर्टी फाइव फोर, सेवन टू जा फोर्टीन और फोर एटीन, अब ये भी हमारे पास इससे ज्यादा आ गया। अब हम किससे करके देखेंगे, सिक्स से, सिक्स फाइव जा थर्टी और थ्री कैरी, सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स और थ्री थर्टी नाइन, सिक्स टू जा ट्वेल्व और थ्री फिफ्टीन, ये इससे कम आ गया तो ये हमारा सिक्स से डिविजिबल होगा, फिफ्टीन नाइनटीन। अब हम इसमें से कट करेंगे, टू में जीरो कट किया टू, टू में से ये नहीं जा सकता, नाइन नहीं कट कर सकते। अब हमने यहां से एक बोरो लिया, ये सिक्स रह गया, ये ट्वेल्व हो गया, ट्वेल्व में से नाइन कट किया थ्री, सिक्स में से फाइव कट किया वन, वन में से वन कट किया जीरो। अब हमने क्या किया, फाइव डाउन ले आए। अब हम देखो सिक्स से किया था हमारे पास, अब इससे हम चेक करेंगे थर्टीन के आसपास, सिक्स टू जे ट्वेल्व, सेवन टू जे फोर्टीन, तो ज्यादा हो गया, सिक्स टू जे ट्वेल्व होता है तो ये फिफ्टीन नाइनटी आ रहा है, हमने कैलकुलेट देखा ये तो और भी ज्यादा है। फिर अब हम क्या वहां से चेक करेंगे, फाइव से, अब हम इसको फाइव से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव टू, फाइव सिक्स जा थर्टी और टू थर्टी टू थ्री, फाइव टू जा टेन और थ्री थर्टीन, ये तो हमारा सेम आ गया, अब ये फाइव पे डिविजिबल हो गया, थर्टीन ट्वेंटी फाइव, रिमेनिंग जीरो। अब हमारे पास कितने टेंट पुट करने होंगे, हमारे पास विलेजेस, टोटल विलेजेस बताया था इतने होमलेस हुए, एक टेंट में इतने फुल हो गए हैं, तो कितने टेंट बनाने पड़ेंगे, 165 टेंट्स, इट इज आवर आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर एप्रिशिएशन, हैव अ नाइस डे। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है तो मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, थैंक यू।